अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। प्रोटेम स्पीकर को धमकी देने वाला पकड़ाया है। तो प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को धमकी दी गई थी और अब जो है धमकी देने वाला पकड़ा गया है। ओडिशा में आरोपी को भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने पकड़ा है। 4 सदस्यीय टीम ओडिशा से भोपाल लाई है। पुलिस कंट्रोल रूम में आरोपी से पूछताछ हो रही है। आईपी एड्रेस से आरोपी तक पुलिस पहुंची है। तो प्रोटेम स्पीकर को धमकी देने वाला आरोपी पकड़ा गया है। रामेश्वर शर्मा को धमकी दी गई थी। ओडिशा में आरोपी को पकड़ा गया है। भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने ओडिशा में आरोपी को पकड़ा है। 4 सदस्यीय टीम ओडिशा से भोपाल लेकर आई है आरोपी को। पुलिस कंट्रोल रूम में आरोपी से पूछताछ हो रही है। आईपी एड्रेस से आरोपी तक पुलिस पहुंची है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, प्रोटेम स्पीकर को धमकी देने वाला आरोपी पकड़ा गया है, ओडिशा से ये आरोपी पकड़ा है, क्या कुछ जानकारी है? पूनम, प्रोटेम स्पीकर है रामेश्वर शर्मा, उनको पिछले दिनों धमकी दी गई थी कि दिलीप नेता तिवारी की तरह आपकी भी हत्या कर दी जाएगी। इस आईपी एड्रेस से पुलिस उस तक पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम उड़ीसा का ये जावेद अख्तर है जिसने ये धमकी दी थी। इसके लिए 4 सदस्यीय एक टीम वायरोड उड़ीसा गई थी। वहां से उड़ीसा की पुलिस की मदद से उसको पकड़कर लेकर आई है। आज अभी उसके बयान लिए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम में आला अफसर उससे पूछताछ कर रहे हैं कि वो किस नेटवर्क से जुड़ा है, कहीं उसका आतंकवादी से कोई संबंध तो नहीं है। और इसको पकड़ने में थोड़ी पुलिस को दिक्कत ये आई उड़ीसा में कि भाषा का समस्या आ रही थी, उससे बातचीत करने में, उस तक पहुंचने में। तो स्थानीय पुलिस से मदद ली गई, उनकी मदद से इसको पकड़ा गया है। अब इससे यहाँ पे पूछताछ आला अफसर कर रहे हैं, इसको लेकर आए हैं आज भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम में अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। उसको बयान लेने के बाद उसको मीडिया के सामने लाया जाएगा। पूनम जी शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल भोपाल लेकर आ चुकी है पुलिस, ओडिशा से पकड़ाया है आरोपी। प्रोटेम स्पीकर को धमकी दी थी आरोपी ने विरोध प्रदर्शन के खिलाफ, जब रामेश्वर शर्मा ने अपनी टिप्पणी दी। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को धमकी दी गई थी और ओडिशा से अब आरोपी को पुलिस पकड़ लाई है। भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने पकड़ा है। 4 सदस्यीय टीम ओडिशा गई थी और वहां से आरोपी को पकड़कर लेकर आई है। आईपी एड्रेस से आरोपी तक पुलिस पहुंची है।